अच्छा जी, सवाल ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो आपने ये बताना है कि वो जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी उनके तीनों जाविये 90 से छोटे होंगे, ऑब्ट्यूज होगा उनमें से एक जाविया 90 से बड़ा होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल या कायमत जाविया मुसलस है। तो ये जो तीन साइड है ये किस किस्म के ट्रायंगल के साइड्स हैं वो हमने बताना है, ठीक है। तो इसका हाल देख लें। अच्छा जी, इसमें इसको आप लेट कर लें, ये पहले वाले को, जो पहले दो जो स्मॉल है उसको आप पहले को ए का नाम दे दें, ये जो दूसरा स्मॉल है वो आप ये बड़े वाले को आप क्या नाम दे दें, सी, ठीक। अब आप देखें, एज वी नो दैट हाँ ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, थैंक यू, 3 सेंटीमीटर। ये पहले जो दो स्मॉल है आपने ए भी देना है उसको, बड़े गुस्सी। अच्छा, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखिए अगर पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, यानी दोनों के दो दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कायमत ज़ाविया मुसलस होगी, ठीक। एक बात, दूसरी बात, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इन दोनों का सम तीसरे के स्क्वायर से छोटा हो, तीसरे के स्क्वायर से क्या हो, छोटा हो, तो फिर ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के साइड होंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होंगे, ठीक, यानी मुनफरजा जाविया होंगे, मुनफरजा यानी ये जो होगा वो इस तरह का ट्राइंगल होगा, इसमें क्या होगा, इस तरह के ट्राइंगल होंगे, ठीक। ये सी ए बी, एक इसमें क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा, ये 90 के बराबर होगा। अच्छा, अगर तीसरा ये जो दो छोटे साइज साइड है जो टू स्मॉल, अगर तीसरा केस ये कि जो दो स्मॉल साइड्स है उनके स्क्वायर का सम तीसरे से छोटा हो, तो फिर ये क्या होगा, ये किस क्या होगा, ये साइड्स होंगे क्या होंगे, किसके, एक्यूट एक्यूट ट्रायंगल के साइड्स होंगे, जिसको हम कहते हैं हादा ज़ाविया मुसल्लस, यानी तीनों साइड्स क्या होंगे, तीनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, इस तरह के एंगल, ठीक है। अब आपने चेक करना है, सिंपल इनका स्क्वायर आप ले लें। अच्छा जी, नाउ आप इसको चेक करते हैं, अब ए का स्क्वायर किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपके ख्याल में आप इसको देख ले क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 इसका स्क्वायर, तो सिंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 9, ये हमारे पास है क्या 16, ये बराबर 24, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, तो ये कौन सी है, चूंकि बराबर है ना इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड्स हैं वो किस किस्म के ट्राइंगल के साइड है, यस राइट एंगल, देयरफॉर थ्री सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड बस इतना ही आपने, देयरफॉर राइट एंगल्ड
ट्राइंगल। मुसलस, मुसलस से कायमा तो ज़ाया मुसलस हो गया, बस इतना ही। ठीक रखन वाजे। तो आपने ये देखना है कि सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो जो ट्राइंगल होगी कायमा तो ज़ाविया होगी, अगर छोटा होगा तो फिर वो मुनफरज ज़ाविया होगी, और अगर बड़ा होगा तो वो हादा ज़ाविया मुसलस होगी। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर, चल इसको भी आप देख ले, इसी के मुताबिक आप देख ले। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, 5। तो 4 सेंटीमीटर लेट ए को आप क्या नाम दें, 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आप ले लें कितना होगा, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है 16 स्क्वायर जी सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है हमारे पास, बी बराबर है क्या है 7 है, इसको स्क्वायर आप ले लें ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, सी बराबर 8 है, इसका आप स्क्वायर ले लें। तो आप इसमें देख लें, पहले को हमने ए का नाम दिया, ए का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 7, 7 का 49 और 8, सी 8 है, इसकी स्क्वायर लेने से क्या आएगा 64। अब आप देख लें इसमें क्या है, 64 प्लस 9 कर ले कितना आ जाएगा 65, और ये सब छोटा क्या है, छोटा है। तो सिंस अब इसमें देख ले, देखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से, क्यों ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16, देख रहे हैं या नहीं, बी किसके बराबर है, या चलो मैं इस तरह लिख लूँ 16, पहले इसको लिख ले सिंस, पहले इसको लिख ले 16 प्लस 49, अब ये बड़ा है किससे 64 से, ये 65 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर स्मॉलर देन, इसके मुताबिक आप देख ले क्या बताया था, अगर सी छोटा है दोनों के स्क्वायर के सम के से, हाँ स्क्वायर के सम से, अगर ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर से छोटा है तो फिर वो क्या क्या होगा, हाँ 10, द ट्राइंगल विल बी एन ए क्यू ट्राइंगल, क्या या एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये बस इतना ही, हाजा जाए मसल। आई होप समझ में आ गया।